तो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में करने वाले इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का अनबॉक्सिंग और आपको दिखाने वाला हूँ लॉन्च कब होगा, प्राइस, फर्स्ट लुक वगैरह आपको प्राइसिंग बताने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशन एंड स्किप कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें स्मार्टफोन के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, आजकल कोई रीड नहीं करता। नेक्स्ट में दोस्तों में यूएसबी के टाइप सी डाटा केबिन मिल जाती है, बस ये सब मिल जाता है बॉक्स के अंदर में। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे हेडफोन मिल जाती है, जो कि इस बार हमें क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूविंग देखने को मिली है, मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड इसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे एक फास्ट अडैप्टर मिल जाता है, जो कि दोस्तों चार्ज करने वाला है और जो 30 से 40 मिनट्स के अंडर में स्मार्टफोन चार्ज कर देता है इन्फिनिक्स का। और नेक्स्ट में दोस्तों डोंगल मिल जाता है, बस यही सब मिल जाता है बॉक्स कंटे में। तो चलिए दोस्तों अपने स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमें स्मार्टफोन के प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट क्या है, स्पेसिफिकेशन कैसा, फर्स्ट लुक देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड स्मार्टफोन की सबसे पहले डिस्प्ले पार्ट से बात करने वाले, 6.65 इंचेस का यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है इस बार। यहाँ पे इन्फिनिक्स वगैरह अपने न्यू स्मार्टफोन में लाता है नोट सीरीज का ये 40 प्रो स्मार्टफोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और 55 एमएएच की बैटरी इस फोन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। एंड आपने देखे होंगे कि इन्फिनिक्स अपने स्मार्टफोन लॉन्च करता है बहुत ही सस्ते प्राइसेस के अंदर, हमें अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो हमारा जीरो सीरीज होता है उसमें फ्लैक्सिब स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, और स्मार्ट सीरीज में भी यहाँ पर लो बजट वाले स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय करते हैं, ख़रीदते हैं स्मार्टफोन का। एंड दोस्तों यहाँ पे बात की मैंने दिखाया, और इसमें कोलकॉम स्नैपड्रैगन का 5G चिपसेट एंड साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल देखने के लिए मिल जाता है। एंड बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं, आप चाहे उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन में अगर कैमरेज की बात करें तो इसमें कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाला है, क्योंकि इसमें जो आईफोन की तरह यहाँ पे थोड़ा डिफेक्टिव कलर मिल जाता है। एंड स्मार्टफोन में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप 108 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया गया है। एंड ये स्मार्टफोन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाला है, यानी कि आपको 18,000 से 25,000 के रेंज में देखने के लिए मिल जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, आपको बेस्ट प्राइसिंग के साथ आप स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च रहते रहते हैं और ये स्मार्टफोन इसी मंथ में लॉन्च होने वाला। आप तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जाए।